नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल में। और आज मैं आपको एक बहुत बेहतरीन प्रैक्टिकल उदाहरण देने जा रहा हूँ और ये टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, आपके जीवन में सारी चीजें जो है कुदरत ने बहुत बेहतरीन तरीके से दी है, लेकिन हम लोग हमारे पैर पे कुल्हाड़ी मारने वाली बात करते हैं, यानी कि हम वो हरकतें करते हैं, वो काम करते हैं जिससे हमारे शरीर का खुद नुकसान होता है। देखिए, बहुत सी जगह आपने पढ़ा होगा कि खाना खाने के बाद लगभग 1 घंटे तक पानी नहीं पीना चाहिए, यानी 5 से 1 घंटे तक हमें पानी नहीं पीना चाहिए। उसके पीछे लॉजिकल बात कोई समझा नहीं पाया, बस वो ये बोल पाया कि भाई इससे पेट सही रहेगा। आज मैं आपको वो प्रैक्टिकल डेमो देने जा रहा हूं, जिस प्रैक्टिकल डेमो के थ्रू आपको 100% ही श्योर हो जाएगा कि भाई अगर हम आधे से 1.5 घंटे पानी नहीं पीते तो हमारा जो पाचन तंत्र है वो काफी ज्यादा स्ट्रांग होगा और हमारा जीवन भर जो शरीर है वो बिल्कुल स्वस्थ रहेगा। तो उसके लिए मैंने बहुत सी चीजें यहाँ पर इकट्ठी करी है आपको डेमो देने के लिए। ये यहाँ पर हम नापेंगे कितना ml इसमें डेमोस्ट्रेशन के लिए पानी चाहिए। फिर देन उसके बाद ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ये है एसिड। और इस एसिड को मैंने इस जार के अंदर इकट्ठा करा, काफी हार्मफुल एसिड है ये, जो हमारी बॉडी के अंदर बनता है जब खाना पेट में जाता है तो ये एसिड बनता है। इस एसिड का मैं आपको एक प्रैक्टिकल उदाहरण देना चाहूंगा कि ये जो एसिड है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, ये 1.8 pH का एसिड है। यानी कि अगर मतलब बॉडी में एसिड बनने की बात की जाए कि जिससे खाना पचता है, जिससे खाना गलता है, तो वो होता है 1.8 pH का। इसके लिए डेमोस्ट्रेशन के लिए मैं ये स्ट्रिप लाया हूं और इस स्ट्रिप में सिस्टम क्या है, ये एक स्ट्रिप हटानी है और इसमें डिप करनी है। डिप करने के बाद इसमें काफी कलर्स दिए हैं, इस तरह के कलर्स दिए हैं, इसमें से जो भी कलर आएगा उतना उस एसिड का पीएच होगा। तो यहां पर इस स्ट्रिप में इसका कलर क्योंकि पिंक ही है और ये 1 नंबर पे पिंक लिखा है, तो 1 और 3 के बीच का मतलब एसिड का मापांक है इसका, यानी कि 1.8 pH जो है उसके इक्वलेंट का ये एसिड है। काफी हार्मफुल एसिड है, आप लोग इसमें मतलब घर में इसका डेमो मत कीजिएगा। और अब मैं बता देता हूं इस डेमोस्ट्रेशन में कि भाई कितनी क्वांटिटी में हमारे शरीर में जब भोजन जाता है तो उसका पाचन सिस्टम जो है वो कैसे काम करता है। और अगर हम उसमें पानी मिला दें, यानी कि आपने खाना खाते ही मान लीजिए पानी पी लिया 1 ग्लास, तो उसके बाद जो हमारा पाचन तंत्र है वो किस तरीके से काम करना थोड़ा स्लो हो जाता है। काफी मतलब तेज एसिड है, मैं आपको इसका डेमो दे देता हूँ। अब इसमें थोड़ा सा एसिड मैं इसमें फिल कर रहा हूं और थोड़ा एसिड मैं इस पे फिल करने वाला हूं। ये मैंने दोस्तों 2 जार ले लिए हैं, दोनों के अंदर एसिड मैंने इसमें फिल कर दिया है। इस एसिड को मैं थोड़ा साइड में रख देता हूं और थोड़ा सा एसिड इसमें और फिल कर देता हूं। दोनों को मैंने इक्वलेंट ले लिया है एसिड को। अभी एक एग्जांपल के लिए, अगर हमारी बॉडी के अंदर ये एसिड इतना एसिड बनता है और हम इसमें अगर कुछ खाना डालते हैं, तो अब इस वाले जार के अंदर मैं इस जार के थ्रू लगभग 250 ml से थोड़ा कम पानी मिलाऊंगा, जो एवरेज इसकी डाइल्यूशन को ना इंक्रीज कर देगा। और इसमें मैं थोड़ा कम पानी मिलाऊंगा क्योंकि ये हमारी जो लार है उसके साथ ही बनता है, थोड़ा मतलब लिक्विड बनता है और उतना लिक्विड लगभग खाने के साथ वहां पर इकट्ठा हो जाता है। दोनों के अंदर दोस्तों हम लोग ये जो हमारा खाना है वो डाल देंगे। अब एक मैंने इसमें ये खाना डाल दिया है कुछ क्वांटिटी के अंदर, और एक ये जो डाइल्यूट पोजीशन है जो हमारे बॉडी में रहती है, अगर हम पानी ना पिए तो क्या कंडीशन रहती है। अब ये दोनों ही कंडीशन है जहां आपने पानी पी लिया 1 ग्लास भर के, और ये कंडीशन है जिसमें आपने पानी नहीं पिया, 1 घंटे का वेट करा है। तो अब दोनों कंडीशन के अंदर जो खाना है वो किस तरह का पचेगा उसका डेमो अभी थोड़ी देर में क्लियर हो जाएगा। दोनों जार्स जो है उनको मैं बंद कर देता हूं, या दोनों ही जो जा रहे हैं इनको मैंने बंद कर दिया है। और अब जो एसिड है वो अपना काम कर रहा है, यानी वही हमारा बॉडी का जो अंदर का पाचन तंत्र है, 1.8 pH का जो एसिड है जो हमारी बॉडी के लिए स्टमक के अंदर जो क्रिएट हो रहा है, वो किस तरीके से खाने को पचाता है, किस तरीके से उसको मतलब मान लीजिए विखंडित कर देता है, पूरा कण कण में बांट देता है, जिससे जो हमारी जो शरीर के अंदर जो छोटी आंत और बड़ी आंत होती है जो उस खाने के अंदर से पोषक तत्व एब्जॉर्ब करती है, प्रोटीन विटामिन कार्बोहाइड्रेट एब्जॉर्ब करती है। तो अगर ये आप मान लीजिए अगर खाना मतलब पूर्ण रूप से फटेगा नहीं, यानी उस पर एसिड काम नहीं कर पाएगा, तो बॉडी के अंदर जो हमारी जो आते हैं वो उसमें से वो प्रोटीन विटामिन एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगी, उसके अंदर से वो चीजें नहीं निकाल पाएगी जिसके हमारे शरीर को पूरी आवश्यकता है।
तो अगर आप पानी पी लेते हैं तो उसके बाद क्या रिजल्ट होने वाला है, और अगर आप पानी नहीं पीते 1 घंटे का वेट करते हैं तो उसके बाद क्या रिजल्ट आने वाला है। तो इन दोनों चारों को मैंने 1 घंटे के लिए यही इसी पोजिशन में रख दिया। अब 1 घंटे बाद इस वीडियो को अपन रिस्टार्ट करेंगे और मैं इसे थोड़ी देर के लिए पॉज। वेलकम है दोस्तों, और लगभग आधे से पौन घंटा कंप्लीट हो चुका है और ये दोनों ही जो एसिड है इनके काम जो है वो सामने आ चुके हैं और मैं आपको इसका प्रैक्टिकल डेमो जो है वो सामने दे रहा हूं। देखिए ये जो कंसंट्रेट एसिड है, सबसे पहले तो ये चीज आपको मैं कंफर्म कर दूं क्योंकि मैंने जो ये एसिड यूज किया ये 1.8 पीएच का एसिड है। इस स्ट्रिप से ये प्रूफ हो चुका है क्योंकि जो ये स्ट्रिप है इस पे कलर आ रहा है पिंक, यानी कि अगर ये कलर ग्रीन होता या फिर इसके अलावा मान लीजिए कि डार्क ग्रीन होता या फिर ग्रे होता तो इसका पीएच और ज्यादा होता, लेकिन हमारी बॉडी में जो एसिड बनता है वो 1.8 पीएच का बनता है। आप कहीं से भी नेट से भी आप सर्च कर सकते हैं। तो उतना ही एसिड मैंने उतनी ही ग्रेड का एसिड इसमें लिया है और वो एसिड जो है HCl बनता है हमारी बॉडी के अंदर, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और उसी का मैं डेमो दे रहा हूं आपको। ये अब ये जो एसिड है ये कंसंट्रेट एसिड है जो हमारी बॉडी में बनता है, और इतना देखिए पावरफुल एसिड होता है ये कि अगर इस एसिड की एक बूंद आप किसी मान लीजिए पेपर पर डाल देंगे तो हाथों हाथ उसमें आर पार छेद हो जाएगा। और ये एसिड ही होता है जो हमारे खाने को बिल्कुल मतलब तरीके से पचाता है, यानी कि पचाने का मतलब ये है कि उसके जो शरीर में जो खाना जा रहा है उस खाने के पोषक तत्वों को जब हमारी जो बॉडी के अंदर जो आते हैं वो मतलब एब्जॉर्ब करेगी तो उस कंडीशन के अंदर उसकी जो उसका जो फॉर्मेट होना चाहिए वो बिल्कुल मान लीजिए कि बारीक रूप में होना चाहिए, और वो तब भी पॉसिबल होता है जब वो एसिड प्रॉपर हमारे पेट के अंदर काम करे। और हम लोग क्या करते हैं उसमें पानी मिला देते हैं, और पानी मिलाने की कंडीशन के अंदर जो हमारा खाना है, अब मैं इसको कितना भी हिला लूं कितना भी इसको इस तरीके से कर लूं लेकिन जो खाना है वो टुकड़ों के रूप में ही है और ये पूरा डाइल्यूट जो है मान लीजिए वो नहीं हुआ है, पूरा इसमें मिक्स नहीं हुआ, और यही कंडीशन हमारे पेट के अंदर होती है। जबकि ये जो कंसंट्रेट एसिड है जो मैंने लिया वो पूरे खाने को बिल्कुल कण कण के रूप में तोड़ चुका है, ये देख सकते हैं आप। बस ये सेम कंडीशन हमारे पेट के अंदर होती है, और अगर इस खाने की बात करूं तो ये खाना अभी बिल्कुल भी मतलब टुकड़ों के रूप में नहीं टूटा है। अब आप प्रैक्टिकल ये चीज समझ जाइए कि अगर आपने गलती से भी एक एग्जाम्पल के रूप में आपने 1 ग्लास पानी पी लिया खाने के बाद तो ये सेम कंडीशन होगी, और अगर आप 1 घंटे वेट करते हैं, देखिए प्यास लगती है और खाना खाने के बाद मतलब 90% लोगों की सिचुएशन ये होती है उनको पानी चाहिए, लेकिन अगर आपने उस 1 घंटे वेट कर लिया तो मैं आपको गारंटी देता हूं जीवन में कोई भी बीमारी आपके आसपास तक नहीं भटकेगी। कारण क्या है, क्योंकि अगर हमारी बॉडी के अंदर प्रॉपर प्रोटीन जा रहे हैं, प्रॉपर विटामिन जा रहे हैं, हमारी बॉडी पूरी एब्जॉर्ब कर पा रही है खाने में से प्रोटीन विटामिन कार्बोहाइड्रेट, तो उस कंडीशन के अंदर हमारी जो रेड सेल्स है और हमारी जो व्हाइट सेल्स है दोनों प्रॉपर बनेगी, खून की कमी नहीं रहेगी, और व्हाइट सेल्स जो रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाती है बॉडी के अंदर वो प्रॉपर रहेगी, तो कोई भी बीमारी है उससे लड़ने की पावर हमारे अंदर ज्यादा रहेगी। अगर इस कंडीशन के अंदर आपका खाना एब्जॉर्ब मतलब बॉडी एब्जॉर्ब कर रही है प्रॉपर कंडीशन के अंदर उसमें से प्रॉपर चीजें खाने में से, तो आपकी बॉडी में प्रॉपर ग्लूकोसामाइन बनेगा, जोड़ों के दर्द की प्रॉब्लम नहीं रहेगी। इसके अलावा प्रोटीन प्रॉपर कंडीशन में मिलेगा, व्हाइट बाल कभी नहीं होंगे क्योंकि जो शुद्ध प्रोटीन है उससे हमारे नाखून और हमारे जो बाल हैं वो बने होते हैं, तो अगर जैसे जैसे बॉडी में प्रोटीन की कमी होती है वैसे वैसे व्हाइट बाल की प्रॉब्लम हो जाती है। मतलब मैं बता रहा हूं कि एक्स वाई जेड कोई भी डिजीज हो इसका पूरा जो सिस्टम जुड़ा है वो इस एक डेमो से मैंने आपको करके बता दिया कि किस चीज से जुड़ा है। जब तक आपकी बॉडी में प्रॉपर एनर्जी नहीं रहेगी, प्रॉपर जो नीड्स हैं बॉडी को प्रॉपर तरीके से चलने के लिए वो नहीं मिलेगी, तो आप मान लीजिए कि कहीं ना कहीं आपके आसपास वो बीमारियां मौजूद हो जाएगी जिसकी आपको जरूरत नहीं है। तो आपको ये जो डेमो है मैंने प्रैक्टिकल इसलिए दिया है क्योंकि आप इस चीज को समझें कि अगर आप 1 घंटे वेट करेंगे, 1 घंटे तक आप खाना नहीं खाएंगे, तो उस कंडीशन के अंदर आपका जो डाइजेस्ट सिस्टम है बॉडी का वो बहुत बेहतरीन बहुत परफेक्ट रहेगा। और मैं बोल रहा हूँ एक परफेक्ट बॉडी के साथ और एक बिल्कुल पावरफुल एनर्जेटिक बॉडी के साथ आप कोई भी काम करें उसमें आपको सफलता डेफिनेट मिलेगी, उसमें आपको सक्सेस डेफिनेट मिलेगी। तो अगर ये वीडियो मेरी आपको पसंद आई हो, ये जो मैंने आपको प्रैक्टिकल डेमो दिया है, मेरे घर में 2-2 डॉक्टर मौजूद है, मैं हर कोई चीज जब किसी के साथ शेयर करता हूँ तो उस पर पूरी रिसर्च करता हूँ, पूरी स्टडी करता हूँ, फिर उसके बाद मैं शेयर करता हूँ। तो ये अगर आपको मेरी नॉलेज अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, लोगों के साथ शेयर करें, और साथ साथ में मेरे इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं कराया तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करना ना भूले। ओके, थैंक यू सो मच।